पूरे देश को खत्म करने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भगवान की तरह मैं भी अदृश्य हूँ। जब भी कोई सरफेरा बहती गंगा में कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। खेसारी लाल यादव को बॉक्स ऑफिस का किंग क्यों कहा जाता है, उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया अपना फिल्म संघर्ष 2 से। क्योंकि दोस्तों संघर्ष 2 फिल्म को रिलीज हुए आज सिर्फ हुए हैं 4 दिन और चौथे दिन भी इस फिल्म ने काफी ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। और दोस्तों इस साल भोजपुरी की जितने भी फिल्में रिलीज हुई है उनमें से सभी फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन को ब्रेक कर दिया है। और दोस्तों अभी भी संघर्ष 2 जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर काफी ताबड़तोड़ कमाई करते जा रही है उसे देखकर यही कहूंगा कि संघर्ष 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। हालांकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संघर्ष 2 फिल्म की चौथे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म ने चौथे दिन कितनी करोड़ रुपए की कमाई कर ली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आप सभी को खिसाई बैग फिल्म संघर्ष 2 कैसा लगा, सुपर हिट या सुपर ब्लॉकबस्टर। राग पाटिल की डायरेक्शन में बनी एक्शन पैक्ड फिल्म संघर्ष 2 जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे खिसाई बैग, मेगा श्री, माही श्रीवास्तव, विनीत विशाल। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये फिल्म रिलीज होते ही सारे सिनेमा घरों में हाउसफुल ये फिल्म चल रही है और बहुत लोगों को इस फिल्म का टिकट भी नहीं मिल पा रही है। इस फिल्म का इतना क्राउड है ना भाई, फैंस इस फिल्म को देखने के लिए पागल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हमें उम्मीद थी उसी तरह से संघर्ष 2 फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई की और 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और दोस्तों संघर्ष 2 की कॉम्पिटिशन बड़ी बड़ी फिल्मों से हो रही है और ऐसे में फिल्म चलना बहुत ही बड़ी बात है। और भाई आरा में मोती माहौल में गणपत को उतार के संघर्ष 2 को लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, आरा मोती माहौल में गणपत को लगाया गया था लेकिन गणपत को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था जिस कारण से संघर्ष 2 को वहां पे लगाया गया। और संघर्ष 2 को लगाते ही सिनेमा हॉल हाउसफुल चलने लगा, अचानक से कभी भी लगा देते हैं और वो भी हाउसफुल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस फिल्म ने चौथे दिन कितनी की कमाई की। तो भाई खेसारी भाई संघर्ष 2 फिल्म का चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अनुमानित बताया जाए तो 2 करोड़ की ताबड़तोड़ कलेक्शन कर ली है और इस फिल्म ने टोटल अभी तक 10 करोड़ की कमाई कर ली है और ये एक अनुमानित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। भोजपुरी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन के बाद ही आता है तो ये एक अनुमानित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। लेकिन दोस्तों अब देखना है संघर्ष 2 फिल्म की जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर तक कहां तक जाता है, यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 30-40 करोड़ कमाती है या फिर संघर्ष 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन लगभग 150 से 200 करोड़ तक जा पाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है संघर्ष 2 फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। और संघर्ष 2 का डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल SK7 भोजपुरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, सभी भाइयों को जय श्री राम।